हेलो दोस्तों, स्वागत है कांति जी जी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली पनीर। कई बार ऐसे होता है कि चिली पनीर और फ्राई राइस खाने का मन हो रहा है और हम सोचते रह जाते हैं कि जब रेस्टोरेंट जाएंगे तब खाएंगे, तो क्यों ना आज हम लोग घर पे ही चिली पनीर बनाना सीखें। चिली पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है एक प्याज और शिमला मिर्च। प्याज और शिमला मिर्च को हमने स्क्वायर में काट लिया है और प्याज को स्क्वायर में काटने के बाद उसको अलग कर लिया है। और 250 ग्राम पनीर हमने लिया है, स्क्वायर पीस में इसको कट कर लिया है। और 1 इंच के करीब अदरक है और कुछ कलियाँ लहसुन है और 2 हरे मिर्च हैं। तो अदरक लहसुन और हरे मिर्च को हमें बारीक बारीक कट कर लेने हैं। और यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 चम्मच और 2 चम्मच मैदा लिया है। सॉसेज में हमने ग्रीन चिली लिया है, टमाटो केचप और सोया सॉस और विनेगर, और थोड़े से में नमक और लाल मिर्च की ज़रूरत होगी। तो लाल मिर्च में हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च लिया है कलर के लिए। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं चिली पनीर। चिली पनीर बनाने के लिए पहले हम पनीर को कोट करेंगे। तो पनीर को कोट करने के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है आपके पास तो आप अरारोट पाउडर आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप उसे ले सकते हैं। और मैदा तो बहुत आसानी से हर जगह मिल जाता है, तो 2 चम्मच ही हमने मैदा लिया है। दोनों को मिक्स कर लेंगे और इसमें पनीर के टुकड़ों को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे पनीर में जो भी पानी है वो भी सोख लेगा। और अच्छे से पनीर पर जब कोट होगा तो हम फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से पनीर फ्राई होगा। अब हम इस पर थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, कलर अच्छा आएगा इससे। और थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे पनीर में भी नमक का और मिर्च का टेस्ट चला जाए। अब मैदा और कॉर्नफ्लोर में पनीर को अच्छे से कोट करेंगे, बहुत संभाल करके कोट करेंगे, पनीर टूटे ना। पनीर और मैदा कॉर्नफ्लोर अच्छे से कोट हो चुका है, अब पनीर को फ्राई करेंगे। पैन में हमने तेल गरम कर लिया है, तेल थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि हमें सैलो फ्राई करना है पनीर को। तेल अच्छे से गरम कर लें। तेल गरम होने के बाद एक एक पनीर के टुकड़े को डाल देंगे इसमें। एक साथ सारे पनीर नहीं आ पाएंगे तो थोड़ा पनीर बच गया है, इसको दोबारा फ्राई कर लेंगे। प्लस प्लस करके सारे पनीर को पका लेंगे। अब ये पनीर सिक चुका है, पनीर को हमें उतना ही पकाना है कि जिससे ये हार्ड ना हो, सॉफ्ट रहे। ये देखिए कितना सॉफ्ट है पनीर। तो पनीर को बाहर निकाल लेते हैं। बचे हुए पनीर को भी सेक लेते हैं। जब तक पनीर फ्राई हो रहा है तब तक ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल बना लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल करके इसका घोल तैयार करके रख लेंगे। घोल एक साइड में रख देंगे और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और हरा प्याज को कट कर लेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चिली पनीर है तो चिली पनीर हल्का सा स्पाइसी होता है। मिर्च भी हमने काट ली, अदरक कट करेंगे और कुछ कलियाँ, 8-10 कलियाँ लहसुन का बारीक काट लेंगे।
अदरक लहसुन मिर्च कट चुका, अब इसको उठा करके हम कटोरे में रख लेंगे। चलिए हरी प्याज भी कट कर लेते हैं। हरी प्याज का सफ़ेद वाला भाग अलग काटेंगे और हरा वाला भाग अलग, जिससे हरे वाले का लास्ट में गार्निशिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी बारीक बारीक कट कर लेते हैं। प्याज भी मैंने कट कर ली है। अब ये कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको भी घोल लेंगे। अब ये सभी सामान को साइड में रख देते हैं। दूसरा बैच भी पनीर फ्राई हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे। सारे पनीर हमने फ्राई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो अब चलिए चिली पनीर बनाना शुरू करते हैं। उसी पैन में तेल हमने कम कर लिया है और थोड़ा सा 2 चम्मच तेल इसमें हमने छोड़ा है। अब ये तेल गर्म है, इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो हमने बारीक बारीक काट के रखी थी उसे डाल देंगे इसमें और हल्का सा फ्राई करेंगे। लाल नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए और हल्का सा भून जाए। ध्यान रखेंगे कि अदरक लहसुन मिर्च जले ना। अदरक लहसुन हो चुका है, हरा प्याज का सफ़ेद भाग पहले डाल देंगे इसमें और शिमला मिर्च और प्याज को भी इसमें डाल करके फ्राई कर लेंगे। और इसको भी ट्रांसपेरेंट होने तक सौते करेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि शिमला मिर्च प्याज जलना नहीं चाहिए, बस सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, उतना ही फ्राई करना है। आप देख सकते हैं प्याज और शिमला मिर्च ट्रांसपेरेंट हो चुका है, फ्राई हो चुका है अच्छे से। अब इसी स्टेज पे हमें सारे सॉसेस ऐड करने हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस भी स्टार्टिंग में ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ज़्यादा हो जाता है तो इसका कलर भी डार्क हो जाता है और ये थोड़ा कड़वा होता है सोया सॉस, तो बस शुरू में संभाल के डालें। हमने 1 चम्मच डाला है। अब ग्रीन चिली ऐड करेंगे 1 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग, टमाटो केचप 1 टेबल स्पून लिया है, विनेगर, विनेगर भी हमने 1 चम्मच, सभी को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा, सभी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, सारे ही सॉसेज में भी सॉल्ट होते हैं तो संभाल के ही नमक डालेंगे। पनीर में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। तो सारे सॉस को अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम अब हाई रखेंगे। अब इसमें जो कॉर्नफ्लोर का घोल बना करके हमने रखा है, तो कॉर्नफ्लोर की सैलरी डालते हैं, स्मूथनेस आती है और चाइनीज डिश में टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। अब देख सकते हैं चिली पनीर का ग्रेवी कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे। आप लोग चाहो तो मार्केट में जो पनीर मसाला मिलता है ग्रेवी बनाने के लिए वो भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास सारे सॉस घर में ही अवेलेबल हैं, तो मैं सारी सॉस ऐड करके चिली पनीर बना रही हूँ। अब पनीर इसमें ऐड कर देंगे, 1 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। आप चाहें तो ग्रेवी वाला भी पनीर बना सकते हैं, हम सेमी ग्रेवी बना रहे हैं तो इसलिए इसकी ग्रेवी थिक है, थोड़ी हल्का, दो तरह से बनता है चिली पनीर, आप हल्का ग्रेवी भी रख सकते हैं और एक कम ग्रेवी वाली बनती है। तो ये मेरा चिली पनीर कम ग्रेवी वाला है, आप ये देखिए कितना अच्छा कलर और टेक्सचर बहुत बढ़िया आया है। अब इसको हम 1 मिनट सिर्फ पकाएंगे।
उसके बाद गैस बंद कर देना है। चिली पनीर बनके तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा चिली पनीर बना हुआ है। तो ऐसे ही आप लोग भी घर पे चिली पनीर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। इसमें ऊपर से गार्निशिंग करेंगे हरे प्याज से। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब चिली पनीर बनाना बहुत आसान है, तो फिर रेस्टोरेंट क्यों भागना। जब भी हमें मन करेगा चिली पनीर और फ्राई राइस खाने का, तो हम घर पे ही बनाएंगे इतना टेस्टी और यमी चिली पनीर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में।